केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देशानुसार आगामी लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया की तैयारी को लेकर हमीरपुर में आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करने तथा इस संबंध में निगरानी के लिए तैनात की जाने वाली विभिन्न टीमों के प्रभारियों के लिए बचत भवन में एक कार्यशाला आयोजित की गई। एडीसी मनीष यादव ने बताया कि कार्यशाला में 130 अधिकारियों को चुनाव के दौरान रैलियों में होने वाले खर्च का ब्यौरा तैयार करने संबंधित जानकारी दी गई। एडीसी मनीष यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया के दौरान जिला हमीरपुर में भी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार व्यापक प्रबंध किए जाएंगे। कि आप लोगों को पता है कि आगामी लोकसभा इलेक्शंस को लेकर के जो इलेक्शन की तैयारियां हैं वो शुरू हो गई हैं और हमारे जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं उनके आदेश अनुसार हमने यहाँ पे जो ट्रेनिंग्स हैं उनका शेड्यूल भी जारी कर दिया है और उसके अनुसार शेड्यूल के अनुसार जो है ट्रेनिंग होने चालू हो गई हैं। तो उसी कड़ी के अंदर हमने लगभग 130 जो हमारे जो ऑफिशियल्स थे उनको एक वर्कशॉप के लिए बुलाया था। इसमें असिस्टेंट एक्सपेंडिचर जो ऑफिसर्स, उसके अलावा जो हमारी विभिन्न टीमें हैं जिसमें सर्विलेंस टीम है, वीडियो व्यूइंग टीम है, उनकी हमने एक ट्रेनिंग करवाई है ताकि आगामी इलेक्शन में जितनी भी रैलियाँ होती हैं, जितनी भी सभाएँ होती हैं, उनके अंदर जो एक्सपेंडिचर होता है उनका अच्छी तरह से वो अकाउंटिंग वगैरह कर सकें। तो इसके अंदर जो है हमारी अकाउंट्स से रिलेटेड टीमें भी सम्मिलित थी। वो सभी को जो है प्रॉपर एज पर जो प्रोटोकॉल है इलेक्शन कमीशन का, उसके अनुसार जो है ट्रेनिंग दी गई है। और इसके अलावा जो है कुछ जो डाउट सेशंस भी अभी बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन के थ्रू जो है रखे गए हैं। जो भी डाउट सेशन होंगे उसमें जो हमारे सभी जो अधिकारी हैं वो सम्मिलित होंगे और जिनको जो डाउट क्लियर इस सेशन के थ्रू हो जाएंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जो आगामी इलेक्शन है उनकी तैयारियां जो है जिले के अंदर एज पर शेड्यूल जो है चल रही हैं। और कभी भी जब भी जो है एमसीसी लगता है तो जिला हमीरपुर के अंदर जो है तैयारियां उस अनुसार हम कर रहे हैं और जो अभी जिस अनुसार हमें शेड्यूल मिलता रहेगा उस अनुसार हम जो आगे में कार्रवाई करते रहेंगे।